आपके अपने चैनल ए एस होम क्लासेस पर आपका स्वागत है। गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है, कुछ खट्टा मीठा भी खाने का मन करता है, तो चलिए झटपट एक चाट बना लेते हैं, आलू चाप रेसिपी। तो ये देखिए, इसके लिए हमने उबले हुए आलू लिए हैं, जिन्हें इस तरह से हमने गोल काट लिया है। इस तरह से हमें गोल काट लेना, आलू उबाल के लिए है। और साथ में हमें चाहिए है दही, मीठी चटनी, इमली की मीठी चटनी है, खट्टी मीठी चटनी। और साथ में चाहिए है सादा नमक, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर, बना हुआ पिसा जीरा पाउडर है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये आलू हमने इस तरह से उबाल के काट लिए हैं, और इसके साथ ही हम इसमें दही डालेंगे। इस तरह से हमें इसमें दही डालना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बन के तैयार भी हो जाती है ये इस तरीके से। ये देखिए, इस तरह से हमें पूरे में दही, बहुत ज़्यादा खट्टा भी हमें नहीं लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें डाल लेना है। और साथ में डालेंगे इमली की चटनी। इस तरह से ये कभी भी बनाइए, कभी भी खाइए, तुरंत बनके भी तैयार हो जाती है, खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। ये सिंपल सी चाट है हमारी एकदम। और साथ में डालेंगे अब इसमें सादा नमक, काला नमक, भुना पिसा जीरा, और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से आप रखें, वैसे ये तीखा बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। इस तरह से लाल मिर्च डाल देना है, और एक बार फिर से हम इस पर डालेंगे दही। इस तरह से दही और साथ में इमली की चटनी। देखिए कितनी अच्छी भी दिखने लगी है ये। और चाहे तो इस पर सेब वगैरह भी कुछ डालना चाहे, आलू भुजिया वो भी हम इस पर डाल सकते हैं। और इसके बाद एक बार फिर से हल्का से काला नमक, सादा नमक, भुना पिसा जीरा और लाल मिर्च। यदि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च कम रखिए, जैसा बच्चों को पसंद हो, नहीं तो वैसे ही तीखी थोड़ी जर अच्छी लगती है। ये देखिए, झटपट बनकर हमारी आलू चाप बिल्कुल तैयार हो गई है। यदि आपको हमारी झटपट रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।